पंजाब के मानसा जिले में रविवार को मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। जिस राइफल से सिद्धू को मारा गया वो इतनी खतरनाक है कि इसके एक फायर पर दो गोलियां लगती हैं। सिद्धू को मारने के लिए जिस बंदूक का नाम सामने आ रहा है वो है AN-94 है। इस राइफल को रूस ने AK-47 की जगह उपयोग करने के लिए बनाया था। ये ज्यादा देशों के पास नहीं है। आज हम आपको इस AN-94 असॉल्ट राइफल के बारे में बताएंगे जिससे हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की थी। AN-94 असॉल्ट राइफल में AN का फुल फॉर्म होता है एफ्टोमैथ निकोनोव। इसकी डिजाइनिंग साल 1980 से शुरू की गई थी जो साल 1994 में पूरी हो गई। इसे बनाया है चीफ डिजाइनर गेनाडी निकोनोव ने। इस राइफल की खासियत क्या है हम आपको बताते हैं। इस असॉल्ट राइफल का वजन 3.85 किलोग्राम है। स्टॉक यानी बट के साथ उसकी लंबाई 37.1 इंच और बगैर स्टॉक के 28.7 इंच होती है। इसके बैरल की लंबाई 15.9 इंच है और इसमें 5.45x39mm की गोलियां लगती हैं। AN-94 असॉल्ट राइफल से बर्स्ट मोड में 1800 गोलियां दागी जा सकती हैं। इस असॉल्ट राइफल से फुल ऑटोमेटिक मोड में हर मिनट 600 राउंड गोलियां निकलती है। इस असॉल्ट राइफल की फायरिंग रेंज 700 मीटर है। AN-94 असॉल्ट राइफल AK-47 की तरह चलाने में आसान नहीं है और ना ही आसानी से ये रिपेयरेबल भी है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि AN-94 असॉल्ट राइफल दो शॉट बर्स्ट ऑपरेशन का ऑप्शन देती है, यानी एक के पीछे एक करके दो गोलियां तेजी से निकलती हैं, जिनके निकलने के समय में माइक्रो सेकेंड का अंतर होता है, यानी दुश्मन को एक साथ दो गोलियां लगती हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल होने के बावजूद भी इसे ज़्यादा सैन्य बलों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि इसकी डिज़ाइन बेहद ही जटिल है। ये AK-47 की तरह चलाने में आसान नहीं है, ना ही आसानी से रिपेयरेबल है। हर मौसम में AK-47 की तरह काम भी नहीं कर पाती है। फिलहाल इसका उपयोग रूस की सेना, पुलिस, संघीय सुरक्षा सेवाएँ और आंतरिक मंत्रालय के अधीन आने वाले सैन्य बल ही कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी इस असॉल्ट राइफल का उपयोग कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी देश या सैन्य संगठन ने इस बंदूक को ना तो खरीदा है ना ही खरीदने का ऑर्डर दिया है। तो अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। उन पर करीब 30 से 40 राउंड फायर किए गए। गंभीर रूप से घायल सिद्धू मूसेवाला को मानसा के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हमले में दो अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला के जाने से म्यूजिक इंडस्ट्री का नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही पंजाब में उनके फैंस और दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं उनके लिए भी ये बहुत ही दुख की खबर है। आप भी कमेंट्स के जरिए अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलियां दे सकते हैं।